Assalamualaikum class, Samreen here. Today we are going to discuss about the lecture number 8, that is cyanobacteria from chapter number 6, FSC part 1. आज हम देखते हैं कि जो सायनोबैक्टीरिया होते हैं क्लास, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्जी भी बोलते हैं. ब्लू ग्रीन एल्जी क्यों बोला जाता है? क्योंकि सायनोबैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया है, ग्रुप है बैक्टीरिया का, जो बॉर्डर लाइन है आपके पास, जो यूकेरियोट्स इवॉल्व हुए हैं, कहा जाता है कि सायनोबैक्टीरिया जो है उनके एंसेस्टर बने हैं. तो ब्लू ग्रीन एल्जी, एल्जी जहां से इवॉल्व हुआ है उनके लिए वो कहा जाता है कि ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्होंने किसको इवॉल्व किया है, एल्जी को, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्जी. अब आ जाते हैं सायनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की तरफ. क्लास, स्ट्रक्चर में सबसे पहला इनका करैक्टर क्या है कि दीज आर ट्रू प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, अगेन आपको बता देती हूँ कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता. नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बहुत कम होते हैं सिवाय राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, इस तरह के स्ट्रक्चर होने के अलावा. बाकी इनके अंदर जो डीएनए है वो भी न्यूक्लियस में बाउंड नहीं होता, फ्री होता है, जिसको हम बोलते हैं नेकेड डीएनए होता है. उसके साथ राइबोसोम अगर आप देखते हैं प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन जैसे आपके पास बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स होते हैं 70S, वैसा ही राइबोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होगा. जो आपके पास प्रोकैरियोट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है, और किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो है वो इनकी कंपोजिशन होती है सेल वॉल की. इस बिहाफ पे, इन कैरेक्टर्स के बिहाफ पे हम बोलते हैं दीज आर ट्रू प्रोकैरियोट्स, क्योंकि इनके अंदर नेकेड डीएनए होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए हम उनको जो है वो यूकैरियोट्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं. अब आ जाते हैं जो सायनोबैक्टीरिया होते हैं उनका साइज क्या होता है क्लास. तो साइज जो है वो इनकी रेंज है 1 माइक्रोमीटर का भी सायनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, और उसकी रेंज जो है वो 2-10 माइक्रोमीटर तक जो इनकी रेंज होती है. अब आगे इनके अंदर क्या है कि जब इनके अंदर आप स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी सायनोबैक्टीरिया डिफरेंट जो है वो कैटेगरी में रहता है. सबसे पहले दीज आर यूनिसेलर. व्हाट इट मींस, यूनी मीन वन एंड सेलर मीन सेल. वन सेल पे जो उनकी बॉडी कन्वेस करती है उसको यूनिसेलर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सायनोबैक्टीरिया है, और इस सायनोबैक्टीरिया के अंदर क्या है कि ये एक सेल पे बेस कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं यूनिसेलर. यानी सायनोबैक्टीरिया एक सेल पे भी रह सकते हैं, उसके साथ साथ ही कॉलोनी भी बनाते हैं. व्हाट इज कॉलोनी? एग्रीगेशन ऑफ द सेम सेल्स, ठीक है, उसके हम कॉलोनी बोलते हैं. लेकिन कॉलोनी के अंदर जो हर एक सेल है वो अपना काम खुद करता है. जैसे आपके पास एक कॉलोनी होती है, हाउस कॉलोनी होती है, उसमें जो एक 4-5 घरों का एक जो है वो एक एरिया बनता है, उसके अंदर हर एक घर के अंदर इंडिविजुअल काम हो रहा होता है, यानी हर एक घर के अपने अंदर अपना काम चल रहा है. तो सेम केस है, अगर इसके साथ ढेर सारे सेल्स हम बना देते हैं, वो इकट्ठे तो रह रहे होंगे, लेकिन हर सेल ने क्या करना है, अपना काम परफॉर्म करना है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलोनी. तो यू कैन से सायनोबैक्टीरिया एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं. फिर आपके पास आ जाता है फिलामेंटस. जो सायनोबैक्टीरिया समटाइम ये अरेंज होते हैं, इकट्ठे तो रहेंगे, एग्रीगेट तो होता है, बट एक ग्रुप नहीं बनाते. क्या बनाते हैं? एक फिलामेंट बनाएंगे, एक सेल है, दूसरा सेल है, उसके साथ ये अरेंज होते हैं एक चेन की फॉर्म में, एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में. जब उसके साथ वो एक दूसरे के साथ लगते हैं तो ये क्या बना देते हैं, एक फिलामेंट. दिस इज द फिलामेंटस नेचर ऑफ सायनोबैक्टीरिया. हमने तीनों तरह की इसकी देखा, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, तीनों तरह की कैटेगरी हमने देख ली. अब आ जाते हैं कि ये ट्राइकोम भी बनाते हैं. व्हाट इज ट्राइकोम? व्हेन द फिलामेंट ऑफ सायनोबैक्टीरिया इज सराउंडेड विद अ सर्टेन टाइप ऑफ म्यूसिलेज, देन वी कैन से दैट दिस इज नाउ द ट्राइकोम, ठीक है. यानी आपके पास क्या है, जब यही स्ट्रक्चर, फिलामेंट स्ट्रक्चर जो होता है बैक्टीरिया का, सायनोबैक्टीरिया का, उसके ऊपर म्यूसिलेज स्ट्रक्चर आ जाता है, म्यूसिलेज शीथ आ जाती है, म्यूसिलेज कवरिंग आ जाती है, देन आप इसको क्या बोलते हैं, उसी कॉलोनी को क्या बोलेंगे आप, ट्राइकोम. यानी एक, अब ये जो एक इंडिविजुअल सेल्स के फिलामेंट था, उसने अपने आप को एक सिंगल यानी एक्सप्रेस किया, कंसिडर हम कर सकते हैं दैट नाउ दिस इज द सिंगल फिलामेंट, ठीक है. और इसके ऊपर ये एक फिलामेंट, एक जो है वो सब फाइबर सा बन गया है, हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोम. उसके बाद क्लास, इस स्ट्रक्चर के अंदर मैंने यहाँ पे भी बैक्टीरिया ड्रॉ किए हैं, सायनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंगल भी ड्रॉ किया, कॉलोनी भी बनाई, लेकिन उसमें मैंने कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे एक्सटेंडेड पोर्शन इसका नहीं बनाया, जिसको हम फ्लैजेला बोलते हैं. लोकोमोटरी ऑर्गन इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है. अब ये जो फ्लैजेला है, अगर इनके अंदर एबसेंट है, हाउ दे कैन मूव? दे कैन मूव विद द हेल्प ऑफ ग्लाइडिंग मूवमेंट. यानी ये क्या करते हैं, स्लिप करते हैं, ग्लाइड करते हैं. यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये क्या करेंगे, इनके अंदर नेचर है जो ये स्लिप करते हैं. जैसे आप स्लाइड के ऊपर ग्लाइड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ये स्लाइडिंग करते हैं.
अब आ जाते हैं जो इनके अंदर सेल वॉल, वही आपके पास स्ट्रक्चर है कि ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू प्रोकैरियोट्स यूं बोलते हैं। सेल वॉल है जैसे बाकी बैक्टीरिया उनकी तरफ पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, डीएनए इनके अंदर नेकेड होता है, राइबोसोम इनके अंदर 70S होगा। 70S क्या होता है हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, दिस इज स्वेडबर्ग यूनिट, और ये सेडिमेंटेशन जो इन राइबोसोम्स की होती है वो एट 70 पे जो है वो ये अपने आप को रोकते हैं, इसलिए हम इसको 70S बोलते हैं। अब आ जाते हैं क्लास, इस स्ट्रक्चर के बाद साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बाद हम देखते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस भी होती है ना। दिस इज फोटोसिंथेसिस इज फूड मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। फूड मेकिंग प्रोसेस क्या मतलब, खुराक खुद बनाना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके उसको किस में चेंज कर देना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। जब हम फोटोसिंथेटिक सिस्टम देखते हैं यानी उसकी मशीनरी देखते हैं, वो जो फोटोसिंथेसिस करनी है उसके अंदर क्या क्या चीजें उसको चाहिए होती हैं, तो सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल ए एज इन यूकैरियोट्स। जैसे आपके पास प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, उनके अंदर भी एक स्पेसिफिक जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसके जरिए वो खुराक बनाते हैं, तो अब आपके पास उनके अंदर भी क्लोरोफिल ए है, जिसने क्लोरोफिल ए एक ऐसा पिगमेंट है जिसने सनलाइट को ट्रैप करना है, सनलाइट को पकड़ना है, सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज़्ब करना है, और उसके साथ ही उनके अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करके वो एटीपी की सिंथेसिस करते हैं यूकैरियोट्स। सेम केस है जो साइनोबैक्टीरिया है वो भी उसी मेथड को फॉलो करते हैं, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स प्लांट्स, प्लांट के अंदर एक जी स्कीम आपने पढ़ी होगी जिसमें दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2। तो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, फोटो सिस्टम 1 होता है यहाँ पे, ये आपके पास क्या होगा फोटो सिस्टम 1 और ये फोटो सिस्टम 2। अब इनके अंदर क्या काम है, यहां भी लाइट फॉल होगी, लाइट फॉल होगी तो जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वाटर की प्रेजेंस के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं यहाँ पे जाते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फॉल होते हैं अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी एनर्जी क्या करेंगे निकाल देंगे, क्योंकि लेवल यहाँ पे हाई लेवल था, एनर्जी ऊपर जाने के लिए चाहिए थी, एनर्जी एब्जॉर्ब की, एक्साइट हुए ऊपर गए, जैसे वो नीचे ड्रॉप होती है एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है और एक एटीपी बनती है इन केस ऑफ प्लांट्स। इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर देखेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। अब इसके साथ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको यूज करके फिर से वो अपनी जो है फोटोसिंथेसिस यानी एटीपी बनाते हैं केमिकल एनर्जी, सनलाइट को किस में चेंज करेंगे केमिकल एनर्जी में, वही केमिकल एनर्जी प्लांट्स किसको यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में इन द केस ऑफ डार्क रिएक्शन। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, अगर आपको इसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बन गया तो अब आप वापस आते हैं। इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 2 होता है, फोटो सिस्टम 1 जो है वो एब्सेंट है इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। इसमें भी सेम यही है, इसमें क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल ए जो ग्रीन पिगमेंट है जिसने इलेक्ट्रॉन लाइट को ट्रैप करना है, लाइट को ट्रैप करने के बाद इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है, और वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कहां पे होंगे, एक सिस्टम है जिसके अंदर क्लोरोफिल ए जो है वो प्रेजेंट होता है। अब आ जाते हैं क्लास फोटोसिंथेसिस के अंदर, हम जो इक्वेशन लिखते हैं वो क्या होती है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे फॉल हो रही होती है लाइट, क्लोरोफिल होता है ग्रीन पिगमेंट, ये आपको पता होगा, क्लोरोफिल के साथ जो है वो क्या प्रेजेंट होती, इसके साथ एंजाइम्स होते हैं जो प्लांट यूज करते हैं, और फिर आपके पास बनता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, और प्लस क्या रिलीज होगी, एक ऑक्सीजन है वो उसके साथ रिलीज होती है जिसको वो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे जो के जिनके लिए ब्रीदिंग के में इन ऑक्सीजन जो है वो इनटेक की जाती है। अब आते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस करनी है साइनोबैक्टीरिया ने तो इन्होंने भी क्या यूज करना है, सेम केस पे वाटर यानी पानी को एज अ रॉ मटेरियल ये यूज करते हैं, और किस लिए यूज करते हैं, फॉर द इलेक्ट्रॉन डोनर यानी जिसने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होंगे वो कौन देगा, पानी देगा जो वो बैक्टीरिया यूज कर रहे थे। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर भी आ गया, क्लोरोफिल ए और फोटोसिस्टम 2 भी इसके अंदर प्रेजेंट है। अब आते हैं कि जो इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी है डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड रिजल्ट होगा, तो वो कैसे होगा, इसके अंदर चलता है कैल्वन साइकिल। कैल्वन साइकिल का दूसरा नाम होता है डार्क रिएक्शन, ठीक है जी, इन केस ऑफ प्लांट्स। इस डार्क रिएक्शन के अंदर क्लास क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा कि जो इसने लाइट यहां से ट्रैप की थी
ठीक है, सनलाइट से लाइट ट्रैक्ट की, उसको केमिकल एनर्जी में चेंज किया हुआ है। दूसरा, उसने पानी को इलेक्ट्रॉन डोनर के ऊपर यूज किया हुआ है, भी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करें, वो जो उसने एटीपी यूज की है, उसको एटीपी को यूज करेगा वो इस केल्विन साइकिल के अंदर, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, फिक्स करेगा इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज ग्लूकोज। ठीक हो गया क्लास? यानी ये जो सियानो बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए हम इनको एंसेस्टर्स बोलते हैं, दैट दीज आर एंसेस्टर्स द प्लांट्स, क्योंकि सबसे पहले एल्जी बनाएगा ये, यही बैक्टीरिया अपने आप को इवॉल्व किया करेगा, एल्जी बनेगा और एल्जी से फिर आगे जो है वो प्लांट्स की ओरिजिनेशन होती है। इन सारे मेथड्स और इन सारे प्रोसेसेस के बिहाफ पे हम इनको एंसेस्टर कंसिडर करते हैं ऑफ द यूकैरियोट्स दैट आर द प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद अब इन्होंने बना लिया ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में बनेगा क्लास, यानी उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा बन गया है, तो उस ग्लूकोज को ये स्टोर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। किस फॉर्म में करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन एक एनिमल स्टार्च होती है, और एनिमल स्टार्च जो है वो, यानी ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ बल्क, यानी ढेर सारे ग्लूकोज को आप इकट्ठा करेंगे, एक बल्क बना लेगा, वो जो एक बल्क होगा, एक ढेर होगा, उसको आप क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं, उसके स्पेसिफिक नाम देते हैं। तो जो सियानो बैक्टीरिया है वो भी किस फॉर्म में स्टोर करेंगे ग्लूकोज को? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। उसके बाद जो आपके पास सियानो बैक्टीरिया है उनके अंदर थायलाकॉइड प्रेजेंट होता है। थायलाकॉइड हमने क्या कहा था क्लास? थायलाकॉइड होती है एक स्टैक, एक सैक होती है, फ्लैटन सैक। इस सैक के अंदर होता है ग्रीन पिगमेंट। ठीक हो गया, इस ग्रीन पिगमेंट में असल में क्लोरोफिल ए है। ठीक हो गया, ये जो थायलाकॉइड है, इस थायलाकॉइड के साथ कुछ पार्टिकल्स जो है वो अरेंज होते हैं, और उन पार्टिकल्स को आप क्या बोलते हैं, फाइकोबिलीसोम। ठीक हो गया, आर स्मॉल ग्रेन्यूल्स दैट आर अटैच्ड टू थायलाकॉइड मेम्ब्रेन आर फाइकोबिलीसोम क्लास। ठीक हो गया, ये वाले जो थायलाकॉइड्स है असल में ये इसलिए यूज होना है उसके फोटोसिंथेसिस के अंदर, और इसकी फोटोसिंथेसिस के साथ साथ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पिगमेंट्स पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जिनको आप बोलते हैं फाइकोबिलीसोम, और उन पार्टिकल्स क्या होंगे, वो किस जगह पे अटैच होंगे थायलाकॉइड के साथ क्लास। इसके बाद सियानो बैक्टीरिया की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी रिप्रोडक्शन भी देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं, अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं, उसको आप रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब पेरेंट इसमें अगर सियानो बैक्टीरिया अपने आप को पेरेंट कंसिडर कर रहा है, उसने डिवाइड करना है, तो कैसे करेगा? सबसे पहले वो फॉलो करता है, अगर एक सेल से दो सेल बनेंगे तो बाइनरी फिशन बोलते हैं, बाइनरी मीन टू, और फिशन ब्रेक, यानी टूट जाना किसी भी एक चीज का दो हिस्सों। फॉर एग्जाम्पल, ये एक आपके पास सेल है, इस सेल को अगर आपने तोड़ना है, ये सेल एक सेल से दो में डिवाइड हो जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिशन। अब इस बाइनरी फिशन के अंदर क्या होगा, एक सेल है, एक सेल उसने अपने आप को इनलार्ज किया, डीएनए डबल किया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, डबल करेगा और फिर इस अपने सेल को डिवाइड करेगा, वो एक सेल से दो सेल जो है वो उसको मिल जाएंगे। अब दिस इज द बाइनरी फिशन, क्योंकि एक सेल दो में डिवाइड हुआ। फिर आ जाता है एक और भी रिप्रोडक्शन करता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, एक पूरा फिलामेंट सियानो बैक्टीरिया का, जिसको हमने बोला था ट्राइकोम है, वो फिलामेंट पूरा का पूरा छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिफरेंट जगह से जो है वो ब्रेक होगा, और फिर वो जो ब्रेकेज होंगे पॉइंट्स, छोटे छोटे फ्रेगमेंट, वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर, एक फिलामेंट बना लेंगे, उसको आप क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं, दिस इज द ट्राइकोम, और ट्राइकोम यहां से ब्रेक हुआ तो तीन पीसेस, एक दो तीन सेल जो है वो अलग हो गया, इन्होंने अपना पूरा का पूरा एक फिलामेंट बना लेना है। फिर उस फिलामेंट ने अपने आप को यहां से तोड़ दिया, फिर एक फ्रेगमेंट बन गया, उसने अपने आप को यहां से भी तोड़ दिया, ये एक फिलामेंट तीन हिस्सों में डिवाइड हुआ, और फिर फर्दर जो है वो क्या होगा, इससे न्यू सेल जो है वो जनरेट हो सकते हैं। अब आ जाते हैं अकाइनेट्स क्या होता है क्लास। सारे के सारे सेल जो बैक्टीरियल सेल हैं सियानो बैक्टीरिया के, इन सारे सेल्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। फॉर एग्जाम्पल, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, 12 सेल्स हैं जो क्या है, वेजिटेटिव सेल्स हैं, जो अपने आप को डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं। तो क्या होगा, एक सेल ऐसा उनमें से निकलता है जो कि अपने आप को क्या करेगा,
अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा शीट जो है वो राइज करेगा, कोटिंग देगा अपने आप को ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। सबसे पहले इसने अपनी फूड बनानी है, डबल कर लेनी है, ग्लाइकोजन स्टोर कर लेना है, उसके साथ जो जो मटेरियल उसको चाहिए वो अपने आप स्टोर कर लेगा। उसके बाद अपनी कवरिंग जो है वो इंक्रीज करेगा लाइक दिस, ठीक है। इस थिक वॉल इन लार्ज वेजिटेटिव सेल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज जो है वो एकाइनेट्स, एकाइनेट्स फॉर्मेशन।